बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत करम फजल शुक्र के साथ आज कल करते हैं यानी शुरू। अगर तक मेरे चैनल पे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और तो वीडियो को लाइक नहीं आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देगा ज़रूर, शुक्रिया। बेल आइकन को भी साथ प्रेस करना है ताकि हमारी जो न्यू वीडियोज आती है ना उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आप लोगों को पता है कल रात को हम लोग खेल रहे थे क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट खेलते खेलते ना बॉल फेंक दी थी हम सायों के घर, तो रात तक मैं 10 बजे थे तब मैंने लेके आया, मैं कहा शायद सो ना गए हों, अब जाऊँगा अब जाके लेके आऊँगा बॉल। 10 मिनट गर्मी में बैठो ना, ये देखें हालत क्या लग पड़ी है, लाइट भी नहीं है ऊपर से और इतने दिन हो गए बारिश भी नहीं हुई। आज मैं शाम टाइम वीडियो शुरू करूं ये वजह है कि मैंने सारा दोपहर बैठ के अपना काम कर लिया, होमवर्क जल्दी, मैंने कहा रात तक फिर जितनी देर तक वीडियो चलेगी ना इंशाल्लाह इसको चलाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी टाइम से होमवर्क कर लिया। साढ़े 3 बजे लाइट गई थी, अभी 4:30 हो रहे हैं और लाइट आ गई है। ये देखें कितनी सारी टॉफियाँ इसके पास पड़ी हुई हैं, सोने नहीं खाऊंगा नहीं, ये देखें अकेला यहाँ पर लेटा हुआ खा रहा, नहीं पैसे दे दूंगा, पैसे दूंगा टॉफियों के, काउंट करने दे, 1 2 3 4 5 6 10 ये 12 टॉफियाँ कर करवा गए, एक टॉफी मैंने खा लिया। मैं गया था अभी बाहर तो मेरा दिल किया कि मैं लेके आऊँ जलेबियाँ, तो मैं यहाँ पर ना जलेबियाँ लेके आया हूँ, तो मैं आप लोगों को खा के बताता हूँ किस तरह की, क्योंकि जलेबी मेरी फेवरेट है, मज़ा बहुत आता है जलेबी खाने में। ओए ये तो टूट गई, गर्मा गर्म निकाली गया बीबी अंकल ने, मैं लेके आ गया, मज़ेदार है। कौन आया भैया, कहता मंडी आया, मैं थोड़ा सा काम जाना है तो मैं मंडी जा रहा हूँ। यहाँ पर आके मैंने मंगवाया जी सोडा, ये रिंजा खान की फेमस जगह क्या है, 786 क्वालिटी कॉर्नर शाही रोड पे है, तो इनका बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है ब्लूबेरी फ्लेवर खास तौर पे, मैं पी के ताकूँ किस तरह का। और ये बड़ा मज़ेदार है, ज़ुबान भी ब्लू ब्लू होने लग पड़ी। सजू लेके आया था जी अपने लिए दूध सोडा, तो ये अपना स्टाफ वहाँ पर ही भूल गया था, जाके दोबारा लेके आया। अभी जी रात का टाइम हो गया और टाइम हो गया जी दुकान बंद करवाने का, बस लड़का दुकान बंद करा है, दुकान वगैरह बंद करेंगे और फिर चलेंगे जी घर। यहाँ पर अभी हमारी दुकान बंद हो रही है, वहाँ पर तकरीबन ना सभी दुकान बंद हो गई है, सिर्फ हमारी रहती है और 2-3 जो 7 दुकान है ना उनकी रहती है। रास्ते में जाता जाता आइसक्रीम भी खाऊंगा, चौहान आइसक्रीम वालों की आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार लगती है, तो वो खाते हुए घर जाएंगे। अभी जी अपनी यहाँ पर आइसक्रीम बन रही है, जैसी आइसक्रीम बनती है इसको लेकर चलते हैं घर, ये 3 है। रात का टाइम हो गया और मैं लेने जा रहा हूँ जी बर्गर, मैं जिंगर बर्गर खाऊंगा, मुझसे शोर में खाएगा, तो चलते हैं, भूख लग रही थी थोड़ी सी तो इसीलिए आज बाहर का खाना खाएंगे। यहाँ पर जी मैं आया मुझे जिंगर लेने के लिए, पहले मैं ऑर्डर ले गया हूँ, बस अब यहाँ पर बन रहा है, आने वाला है, जैसे ही आता है बंद लेके चलते हैं फिर घर को। बर्गर हमने ले लिया, अब चलते हैं शोर में लेने, शोर में लेके चलते हैं घर। यहाँ पर जी मैंने शोरमे का ऑर्डर भी पहले दे दिया था, अब बस शोरमे बनते हैं और लेके चलते हैं जी हम घर। मैं जी बर्गर और शोरमा लेके घर पहुँच गया हूँ, पटाखा का छानी ने मैंने शोरमा पकड़ अपना। यहाँ पर जी अपना जिंगर बर्गर आ गया, सबसे पहले फ्राइज आप लोगों को खा के बताते हैं किस तरह के हैं, खा के बताऊँ आप लोगों को किस तरह के हैं। मज़ेदार हैं, अब आप लोगों को बर्गर की बाइट लेके दिखाता हूँ किस तरह किया। ओ बर्गर तो बहुत ज़रा बड़ा है, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुँह में पूरा भी नहीं आ रहा इतना बड़ा, बहुत ज़रा मज़ेदार है। बर्गर और फ्राइज को देख के किस किस के मुँह में पानी आया कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी जी मूसा शॉर्मा खा रहा है, मैं एक बाइट लेके बताऊं किस तरह का है। सॉरी आधे आधे खाव है आई नो ऑन पर आप मेरी तरफ बनानी है, मेरी तरफ बनानी है, ठीक है ना, बनता ही है तुम दस दे, नहीं बन रही, अभी नहीं बन रही, ऑन कर दबाओ तो बनेगी। मूसा को जल्दी इंटरेस्ट, अभी इंस्ट्रक्शंस मिल रही है मम्मा की तरफ से, मैं खा के आपको बताऊं किस तरह का बना है।
इधर ही खाना है, वरना अगर ना बता सको तो मैं खा कर बताऊंगा किस तरह का बना है। ठीक है बोल दे, मुझे शौर्मा मुझे चेक कराओ कि कैसा बना है, मैं खा के बताऊंगा ना मजेदार बना कि नहीं बना। अरे शॉपर खा ली है, नहीं मुझे भूख लगी अभी थोड़ी सी। चलो कोई नहीं, खा लेते हैं। मूसा भी शौर्मा खाएगा, और आज हैसम ना टाइम से ही सो गया, ये देखें हैसम इधर टाइम से ही सो गया, वरना ये उठा था ना इस तरह रोना डाला होना था, मुझे दे दो मुझे ये कर दो मुझे वो कर दो, बट अरे टाइम से सो गया, मैं इसका टेक लूँगा, इसको उनसे बैठा हुआ मेरी चार में सोया, इसको उठा के मरेंगे परे, इसको पहले इस तरह करते हैं उठा के मार के आते हैं इसको बेड पे। अब हैसम को उठाना है, उठा के इसको बेड पे लिटाना है, क्योंकि मेरी चार पे लेटा हुआ है, और फिर मसला यू नो मैंने भी सोना है ना, फिर मैं बेड पे कैसे सोऊंगा, चार पे सुकून मिलता है, ये इस तरह डूंगी होती है थोड़ी, फिर ऐसे सुकून से लेटे ना मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले इसको सीधा कर पकड़ के करेंगे, मैंने इसको सीधा किया फिर वो टेढ़ा हो गया। उधर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है, पाकिस्तान ने शर्ट पहनी हुई है, पाकिस्तान वाला बैंड पहना हुआ है। कैमरा रखते हैं यहाँ पर, अब कैमरा सेट हो गया, अब उठाते हैं हैसम को, उसके बाद उठाना मोबाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्दन का पटाखे निकल गया, अब इसको उठाते हैं। अभी जी इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया, बस अब ठीक है, अब सो गया, अब मेरी चारपाई पे ना मैं सुकून से सो जाऊंगा, बट अभी तो एडिटिंग भी करनी है। कोई नहीं, अभी 10 बजे हैं, एडिटिंग वगैरह सुकून से हो जाएगी, अपलोड वगैरह भी हो जाएगी, अपलोड की टेंशन नहीं है, ज़रा टेंशन है एडिटिंग की, क्योंकि एडिटिंग मेन होती है, अपलोड तो मैं सुबह उठूँ ना, मैं सुबह भी अपलोड कर लूँगा। ये देखें मैंने ना कल माइक बनाया था, है मेरे पास माइक, बट ये मैंने माइक बनाया था, अगर हम लोग दूर खड़े हैं ना तो हम लोग ने इसको एंड से पकड़ना, इस तरह करके आगे करके वॉइस कैप्चर कर लेंगे, ऐसे मूवी में नहीं होता, पर उनके पास तो प्रोफेशनल माइक होता है, हम सस्ते जुगाड़ी बंदे क्या करें। जी मैं काफ़ी टाइम बाद पार्लर के कमरे में आके वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे अपने आप को देख कर ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अभी मैं और मूसा बनाएंगे जी थोड़ी सी टिकटॉक, तो आप लोगों को मैं टिकटॉक चैनल पर देखने के लिए मिले, टिकटॉक अकाउंट पर देखने के लिए मिलेंगी, मेरा यूज़र नेम यहाँ पर शो हो रहा होगा, जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अगर किसी ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा होगा, जाके जल्दी जल्दी से फॉलो कर लें, मेरी पिक ही लगी होगी, और वो मेरा पर्सनल और मतलब फाइनल अकाउंट है, मैंने 3-4 बारी पहले अकाउंट बनाए हैं, बट मैं उनके ना पासवर्ड भूल जाता हूँ, जब फिर मोबाइल चेंज करता हूँ या इंस्टाग्राम डीड हो जाती है ना, तो फिर ना वो मेरे पास वापस आते हैं। अब इसका अच्छा सा पासवर्ड और जवाब रहने वाला पासवर्ड लगाया है, तो आप जल्दी से टिकटॉक बनाएं। शीशा देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा ही गंदा हुआ पड़ा है, तो सबसे पहले ना इसको शीशे को साफ़ कर लें। अब आप देख सकते हैं कि शीशा कितना ज़्यादा साफ़ हो गया, एकदम यस लग रहा है, ये सारा तो किसका कमाल है, इसका ये स्पॉन्सर नहीं कर रहा बट वैसे ही इसका कमाल है, बड़ी अच्छा है ये, शीशे वगैरह सारे सही कर देता है। मैंने जी एडिटिंग वगैरह कर लिया तो पता लगा व्लॉग तो एंड किया ही नहीं, और जितनी मैंने टिकटॉक बनाई है ना जाके मेरे टिकटॉक आईडी पे देखिएगा, तो बस सुरेश मन को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।